नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंसी चैनल में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे अभी अभी मैंने NACL AO मेंस का पेपर देके आया था। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा मेरे अटेम्प्ट्स कितने हैं। अगर अटेम्प्ट बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके अगर जो क्योंकि जिससे जितनी भी अगली वीडियो आएगी उससे आपको नोटिफिकेशन आएगा और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा। तो अब चलो बताते हैं, इंग्लिश तो बात करी जाए तो इंग्लिश तो बहुत आसान थी, ऐसा लगता है प्री लेवल पर चल दे रहा हूँ। इंग्लिश में मेरे पूरे 50 से 50 करे हैं, ठीक है ना। और रीजनिंग भी ठीक ठाक थी, मतलब अगर मैं एक पज़ल में नहीं फंसता, जैसे मार्केटिंग और एचआर वाली थी जो ABCD थी और उसमें फ्रूट्स वगैरह दे रखे थे, तो उसमें फंस गया था मैं, तो मैंने उसको करी 2-3 मिनट लगाए तो मैंने नेक्स्ट पे गया, ठीक है ना। तो वहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट हो गया 3 से 4 मिनट, जो कि बहुत बेकार था। उसके बदले मैं इनपुट आउटपुट कर सका, जो कि बहुत आसान था। इंग्लिश में मेरे 50 थे और रीजनिंग में अभी मैंने 30 करे हैं। और बात कही जाए जीए के, जीए तो मतलब ठीक ठाक आ रही थी, एक एवरेज अटेम्प्ट भी 30 हो सकते थे, मैंने 38 किए हैं, थोड़े तुक्के मारे 5 से 10 के आसपास, ठीक है ना। बाकी देखते हैं क्या होता है। और बाकी अगर बात की जाए क्वांट की, क्वांट तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थी। क्वांट में तो मतलब DI बहुत ज़्यादा थी, अगर देखा जाए तो DI मुश्किल थी और अर्थमेटिक इन्होंने बहुत आसान दे रखा था। एक एक लाइन का अर्थमेटिक इतना आसान दे रखा था, ठीक है ना। बात की जाए ओवरऑल अटैम्प्ट की, मैं बताता हूँ मेरे सेक्शनल अटैम्प्ट क्या है। रीजनिंग में 30, इंग्लिश में 50, GA में 38, क्वांट में 25, ओवरऑल अटैम्प्ट ये हुए हैं 143। 143 के साथ ओवरऑल अटेम्प्ट हुए, एक्यूरेसी भी 80 के आसपास है, 80% के आसपास है। देखते हैं, कट ऑफ में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि पहली बार पेपर हुआ है, दो साल में एक बार होता है, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी जिनका भी जिनको जिन्होंने भी रीजनिंग और क्वांट में 30+ किए हैं वो तो अजूबे थे, मतलब बहुत अच्छा है कि आपका समझ लो, ठीक है ना। बाकी ठीक है, आज के लिए इतना ही, कट ऑफ में बताऊँ हमारे, क्योंकि भाई इसका कुछ नहीं भरोसा, कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट मॉक के साथ। अब IBPS PO की तैयारी करेंगे, और बाकी जिसका IBPS PO बचा है वो भी कैच की तैयारी करूँ, ठीक है। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।